तो गाइस आपको पता होगा जो सोनी की ऑडियो और साउंड है वो एक अलग ही लेवल पर है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं सोनी के C700N ईयरबड्स, जो कि दोस्तों एक अलग ही लेवल पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी हम कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको इसका रिव्यू शेयर करेंगे, किस प्राइस पॉइंट पर ये आते हैं, क्या साउंड क्वालिटी निकल के आती है और क्या ये नया फीचर लेके आया है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देन बात करते हैं। तो गाइस अगर हम सोनी के बॉक्स की बात करें तो सोनी का जो बॉक्स है वो काफ़ी इको फ्रेंडली कह सकते हो पैकेज के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारा का सारा पेपर का बना हुआ है, इसमें प्लास्टिक नहीं है। तो अगर हम बॉक्स की बात करें तो सबसे ऊपर हमें सोनी का लोगो मिलता है, देन उसके साइड पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रोडक्ट की, इधर की साइड भी ऐसे ही है, बैक साइड पे कुछ नहीं है। नीचे से ये दोस्तों ओपन होता है तो इसको ओपन कर लेते हैं, देन सबसे ऊपर हमारे पास ईयरबड्स मिल जाते हैं तो इसको हम साइड पे रख देते हैं फिलहाल। देन हमें नीचे लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है ये देखते हैं क्या है। तो इसके बीच में हमें कुछ मिलता है और ये है ज्ञान की किताबें, जो कि इंस्ट्रक्शंस होती है, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में और जानना हो तो आप इसको रीड कर सकते हो। देन हमारे पास एक USB-C to USB-A केबल मिलती है जो कि चार्जिंग केबल है। देन हमें ये बहुत मुझे अच्छा लगा, ये है ईयर टिप्स, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स होते हैं अगर आपके जो कानों में, जिसे हम रबड़ भी कहते हैं ना, वो जो एक्स्ट्रा है, और ये काफ़ी अच्छा है, एक लाइन में सब दी हुए तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और अगर हम बॉक्स की थोड़ी सी बात करें तो बॉक्स एक ऐसा प्रीमियम लुक के साथ आता है, आपको लगेगा बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली है प्रोडक्ट ओपन कर रहे हो, बट कॉस्टली तो है दोस्तों, इसका जो प्राइस होने वाला है वो आप वीडियो आगे बने रहिए, बताता हूँ वो भी। देन हमें दोस्तों ये ईयरबड्स मिलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप इनके प्रोडक्ट देखो, अगर हम दोस्तों प्रोडक्ट की डिज़ाइन की या टेक्सचर की बात करें तो डिज़ाइन तो आपने देख ही लिया काफ़ी अच्छा है, बट इसके जो है कंप्लीट ये आउटसाइड एक टेक्सचर के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये टेक्सचर कितना अच्छा है, और टेक्सचर के ऊपर अगर आप कुछ भी करोगे ना तो ऐसे एक साउंड प्ले होती है जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम सा एक लुक प्रोवाइड करती है। तो अगर हम ऊपर की बात करें तो एक सोनी का लोगो है जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। देन पीछे की साइड दोस्तों इन्होंने सी टाइप पोर्ट दी हुई है, और उसके साथ आपको एक पेयरिंग बटन मिलता है, और उसके नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की दी हुई है, मॉडल नेम वगैरह एक्सेट्रा सब इन्फॉर्मेशन नीचे प्रिंट की हुई है। तो जैसे ही दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं ना और क्लोज करते हैं, बहुत अच्छा फील देता है, एक प्रीमियम सा फील आपको मिलता है। और दोस्तों इसमें आपको टच बटन्स नहीं मिलेंगे, आपको बटन्स मिलेंगे बट टच बटन्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको इसको प्रेस करना होगा देन जे चलेंगे। और अगर टच होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इतने प्राइस में आपको टच बटन मिल जाए तो काफ़ी अच्छा था। आज के टाइम पे बजट ईयरबड्स या एयरपॉड्स में आपको टच मिलता है, बट इसमें नहीं है, वो थोड़ी सी मेरे को लगा, समझ सकते हो। बट अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको प्रेस वगैरह कर रहे हो कान वगैरह में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गिरने का तो कोई चांस नहीं है, ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक जहाँ पर माइक्रोफोन मिलता है जो कि नॉइस कैंसलेशन के साथ आता है, देन ब्लूटूथ 5.2 का जो सपोर्ट करता है, 10 मीटर की रेंज होती है, AAC और SBC कोड एक्सपोर्ट करता है, IP X4 के साथ आता है। अगर आप जिम वगैरह में जा रहे हो, बारिश में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कहीं इसको ज़्यादा जहाँ पर पानी वगैरह हो वहाँ पर इसको आप नहीं ले जा सकते हो, देन इसमें पानी जा सकता है, क्योंकि ये IP X4 के साथ है, इसलिए ये वाटर रेजिस्टेंट फुल नहीं होते हैं, थोड़ा सा रेन वगैरह में या जिम वगैरह का पसीना ये हैंडल कर लेते हैं। अगर हम इसकी बैटरी बैकअप की दोस्तों बात करें तो 8 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप मिलता है इन दोनों ईयरबड्स में, और अगर हम केस की बात करें तो केस में भी आपको 8 आवर का ही बैटरी बैकअप मिलता है। ईयरबड्स का तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, बट जो केस का बैटरी बैकअप वो काफ़ी कम लगा, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आते हैं इसका जो प्राइस है वो 7,700 है अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बाय करोगे, बट अगर इनके आप सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे देन ये आपको 12,999 रुपीज के मिलेंगे। और दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर ली हुई है, ठीक है, QR कोड स्कैन करके आप डाउनलोड कर लेना, और उसमें आपको दोस्तों काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, आप ऑडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छी लगे, देन और भी काफी इसमें ऑप्शंस है, नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन को, मतलब एक कंप्लीट ये आपको कस्टमाइजेशन जो है इन ईयरबड्स में मिलती है, जो वो आप ऐप के थ्रू सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे। ये मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी लगी, क्योंकि दोस्तों जिस प्राइस पॉइंट पर ये आते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा अदर ऑप्शन मिल जाती है, लाइक बॉट आते हैं, JBL आते हैं, ठीक है, सैमसंग या ओप्पो इनके आते हैं,
बट मुझे सोनी की जो साउंड क्वालिटी है वो एक अलग लगी, इन सबसे अलग लगी। इसकी जो साउंड क्वालिटी एक ऐसी है कि अगर आप बेस चाहते हो तो बेस भी हो जाएगी, ट्यूनिंग चाहते हो ट्यूनिंग हो जाएगी, लिरिक्स चाहते हो लिरिक्स हो जाएगा, सब कुछ कस्टमाइज हो जाएगा थ्रू ऐप के। तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छे है जिस प्राइस पॉइंट पर ये आए हुए हैं। और आप बताइए दोस्तों, अगर आपको चाहिए कमेंट कीजिए कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा ये प्रोडक्ट, कैसा लगा ये डिज़ाइन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप बाइक करने जा रहे हो तब भी बताइए, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तब भी बताइए, नहीं लगी तो तब भी बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।